क्रिकेट विश्व कप के फाइनल की सीरीज सच कर तैयार है और रविवार यानी आज नरेंद्र मोदी स्टेडियम में इस बात का फैसला हो जाएगा कि भारत विश्व कप जीतेगा या ऑस्ट्रेलिया। आपको बता दें कि वनडे विश्व कप का आज फाइनल मैच है जिसमें भारत और ऑस्ट्रेलिया एक दूसरे के आमने सामने हैं। दोनों टीमें दूसरी बार वनडे विश्व कप के फाइनल में आमने सामने हैं। आपको बता दें इससे पहले साल 2003 में दोनों टीमें विश्व कप फाइनल में एक दूसरे से टकराई थी जहां ऑस्ट्रेलिया ने एक तरफा अंदाज में मैच को अपने नाम कर लिया था। फैंस को उम्मीद है कि भारतीय टीम 20 साल पहले मिली हार का बदला आज जरूर लेगी। भारत के पास मौका और क्षमता दोनों ही हैं। अपने घरेलू मैदान में टीम इंडिया शानदार लय में चल रही है। कप्तान रोहित शर्मा, विराट कोहली और मोहम्मद शमी के फॉर्म को देखते हुए दर्शक ये अंदाजा लगा रहे हैं और ये बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि इस बार विश्व कप की ट्रॉफी भारत आ सकती है। लगातार 10 मैच जीतने के बाद भारत फाइनल भी अपने नाम करना जरूर चाहेगी। वही दर्शकों के बीच मुकाबले को लेकर काफी उत्साह देखा जा रहा है। मेरा नाम रामबाबू है और मैं मोहाली से आता हूँ, टीम को सपोर्ट कर रहा हूँ। लेकिन जो भी मैच रहे, कहीं भी मैच रहे, वहाँ पहुँचते हैं। लेकिन ये वर्ल्ड कप में अलग ही जो मूवमेंट रहा है टीम इंडिया का, जो परफॉर्मेंस रहा है लगातार 10 की 10 जीत कर दर्ज करके, क्योंकि सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड सामने था और ऐसे सब लोग बोल रहे थे 2019 का रिपीट, न्यूजीलैंड तगड़ी है। ये देखो जो भी टीम रही है इंडिया टीम के सामने, सब टीमों को हराया। लेकिन आज इतिहास से बस थोड़ा समय बाकी है, 2011 की जीत इंडिया करेगी रिपीट, क्योंकि 2011 में महेंद्र सिंह धोनी जी की कप्तानी में वर्ल्ड कप जीता गया था। लेकिन अब 12 साल बाद ये अब रोहित शर्मा पूरा करेंगे सपना और टीम इंडिया अच्छा परफॉर्म करके आज वर्ल्ड कप जीतेगी। कौन से प्लेयर से सबसे ज्यादा उम्मीद है? बिल्कुल 11 के 11 खिलाड़ी खेलेंगे तो उम्मीद से भर के क्या पूरा निखर के आएगा जो परफॉर्मेंस करेंगे, क्योंकि सबसे बड़ी ओपनिंग स्टार्ट रहेगी हमारी शुभमन गिल और रोहित शर्मा। शुभमन गिल का होम ग्राउंड